एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ कान्हा जी की नई नई ऊनी पोशाक। तो आज मैं मेरे कान्हा जी के ऊनी पोशाक का कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी। ये है मेरे कान्हा जी की चारपाई। मेरे कान्हा जी इसमें सोते हैं। तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ कान्हा जी की ड्रेसेस। तो ये सब आपके सामने शेयर करूँगी। तो आप कमेंट्स में बताना कि कौन सी ड्रेस ज़्यादा प्यारी लगी है और कौन सी कान्हा जी को ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये है मेरे कान्हा जी का पलंग। ये पलंग भी बोल दे चारपाई में कान्हा जी के लिए लेके आई थी। कितना प्यारा है देखो, बस कान्हा जी के लिए। तो अब इसके लिए बेडशीट अभी लेके नहीं आई थी, अभी नया नया लेके आए थे। तो किसी ने गिफ्ट करा था मेरे कान्हा जी के लिए, मेरी ननद ने। तो बहुत प्यारा वो लेके आए थे मेरे कान्हा जी के लिए। तो फिर मैंने घर से ही ऐसा मखमल वाला कपड़ा लिया है फिर मेरे कान्हा जी के इसके बिछाने के लिए। सर्दी बहुत पड़ रही है तो मेरे कान्हा जी को ठंड लग जाए, तो मैंने बनाया दो किशन कान्हा जी के लिए। तो ये है देखो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसे डिजाइनिंग है। तो अब मैं आपको मेरे कान्हा, अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे कान्हा जी, मेरे कान्हा जी दिखाऊंगी। ये है मेरे कान्हा जी, आज मेरे कान्हा जी को दिखाऊंगी। मेरे कान्हा जी को ठंड लग जाएगी। इनकी छोटी सी कैप, कान्हा जी के कपड़ों में कैप भी है, यह हाथ से बुनी हुई है। ये हमें मार्केट से नहीं लाती हूँ, ये हमारे एक आंटी है वो बना के देते हैं मेरे को मेरे कान्हा जी के लिए। तो वो अच्छी अच्छी डिजाइन के बनाते रहते हैं, जब भी नई न्यू डिजाइन बनाएंगे तो मेरे लिए कान्हा जी के लिए भेज देते हैं। देखो इनके लिए टोपी भी अलग से है, अलग बना रखे हैं टोपी कान्हा जी की। तो ये है मेरे कान्हा जी। सुबह गुड मॉर्निंग में मेरे कान्हा जी के दर्शन करने के बाद मेरे घर की शुरुआत होती है मेरे काम की। तो मैं पहले कान्हा जी के से है को गुड मॉर्निंग कहती हूँ, राधे राधे। फिर मेरे कान्हा जी उठ जाते हैं मुस्कुरा के। फिर कान्हा जी के बाद उनके बांसुरी कहाँ गई, मेरे कान्हा जी की है बांसुरी, नहीं ये डंडा है इनके साथ रहता था, ये है बांसुरी। ये है मेरे कान्हा जी। मैं आपको कान्हा जी के कपड़े दिखाती हूँ आपको क्या क्या कलेक्शन। मन तो ये है मेरे कान्हा जी का झूला। तो ये भी न्यू ही लाए हैं, बहुत ही प्यारा है। ये जन्माष्टमी में लेके आए थे कान्हा जी के लिए। ये है मेरे कान्हा जी का जो पूजा करते हैं इस चोपड़े से करते हैं हम। ये है बिंदी वगैरह लगाने का, ये खुल जाता है, इससे पूजा करते हैं हम कान्हा जी की। सब कान्हा जी की पूजा इसमें होते हैं तो बच्चे भी कर लेते हैं कि हाँ चलो इसमें से करना पड़ेगा, बाकी दूसरा सिंपल होता है उसमें करते नहीं है बच्चे। ये है मेरे कान्हा जी की ड्रेस, ये छोटी है, ये ऐसे डालने की पहनाने की है। ये इस मन बंद कर दो। तो ये है दूसरी ड्रेस, ये मेरी कान्हा जी की फ्रॉक टाइप है, ये फ्रॉक हाथ से बुनी हुई है। ये है ये इसकी केप, दोनों को अटैच करेगी क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो इधर उधर हो जाते हैं तो मिलते नहीं टाइम पे। ये है एक और न्यू ड्रेस कान्हा जी की, ये मेरी कान्हा जी, ये है मेरे कान्हा जी की ड्रेस। एक दिखाती हूँ मैं ये वाली ड्रेस, ये बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है मेरे कान्हा जी। इसमें इसकी केप भी है, ये इसकी केप है ये वाली,
बहुत ज़्यादा प्यारी ड्रेस है ये, इसे लगता है बिल्कुल सॉफ्ट इसमें बनी हुई है ये। ये थोड़ी सी बड़ी, ये है थोड़ी सी बड़ी ड्रेस है ये कान्हा जी की। इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसकी वो जो घूमने जाते हैं वो उसकी टॉप केप लगाते हैं, तो वो मेरे कान्हा जी की भी है, इसी वाली केप है कान्हा जी की, दोनों इसकी केप साथ है। अब है वाइट, रेड वाइट, देखो इतनी प्यारी, इतनी सुंदर लग रही है कान्हा जी की। इसकी केप कहाँ गई, ये केप, इसकी केप किधर हो गई, किधर गई। ये है येलो कलर की ड्रेस है ये, वो घेर वाली ड्रेस बनेंगे, देखिए कितनी प्यारी, आगे से खुली है ये देखो। इसकी ये केप साथ ही अटैच कर रखी है क्योंकि छोटे छोटे हैं तो इधर उधर घूम जाते हैं। ये है इसकी कान्हा जी की न्यू ड्रेस, इसकी भी एक केप। ये है एक ड्रेस कान्हा जी के लिए, ये इसकी केप। अब येलो कलर की, ये है येलो, बिल्कुल येलो है, इसकी केप भी इसके साथ अटैच है मेरे कान्हा जी की। ये है ड्रेस, इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है, कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये इसके साथ केप है, ये भी इसको भी अटैच कर रखा है, तो मैं आपको जब शेयर करूँगी कान्हा जी को पहना के, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं कान्हा जी को पहन के। ये देखो ये कान्हा जी की ड्रेस है, ये वाले इसके केप। अभी बाकी है, अभी ये है कान्हा जी की फिर एक ड्रेस जो डेली अलग अलग पहनाते हैं डेली कान्हा जी को, ये इसको तो मैंने एक बार भी नहीं पहनाया, अभी पहनाऊंगी, इसको भी नहीं पहनाया। ये दोनों ही न्यू बन के आई है, आंटी ने भेजी थी कान्हा जी के लिए। मैंने कहा मेरे कान्हा जी की पुरानी हो गई सब, मेरे को न्यू पहनानी है, तो उन्होंने भेजी थी। सबके साथ केप है, ये है कान्हा जी की ड्रेस है। ये एक ये वाली ड्रेस भी है, इसके भी केप लग रही है साथ। इसकी ड्रेस से पता नहीं कहाँ रखने में आ गई, ये कैप कैप ही रह गई, पता नहीं कहाँ धुली होगी तो कहीं लटक रही होगी कान्हा जी की। इसकी भी सूखी नहीं क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है ना, तो कपड़े सूखे ही नहीं कान्हा जी के, तो इनकी कैप कैप क्योंकि कैप को धोना भूल गए, गीली हो जाती तो सूख नहीं होती नहीं। इसकी भी कैप, ये भी नहीं सूखी, डेली कान्हा जी कपड़े चेंज होते हैं तो इनकी कैप रह गई। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी ये केप मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी, क्योंकि मेरे पास मोर पंख था, एक एक ही था, क्योंकि मेरे पास मोर पंख नहीं थे तो मैंने नहीं बनाई, बाकी मैंने अपने हाथों से खुद ने घर पे ही बनाई थी। अब जब भी मेरे पास मोर पंख आ जाएगा या मिल जाएगा या कहीं से परचेज कर लूँगी, उसके बाद आपको इसकी केप बनाना बताऊंगी, कैसा अच्छा मोर पंख वाला केप बनेगा इसका। मैं अपने हाथों से आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।